माँ स्वामिनी प्रेरणा नवंबर दिसंबर 2023 द थीम ऑफ द मैगजीन इज स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ श्रीमद राजचंद्र जी। श्रीमद राजचंद्र जी के आध्यात्मिक विचार, लेखक कैलाश राज सिंघवी जैन। श्रीमद जी को 7 वर्ष की आयु में जाति स्मरण ज्ञान हुआ और वैराग्य बढ़ने लगा। जाति स्मरण ज्ञान प्रकट होने योग्य आत्मा की निर्मलता अथवा स्मरण शक्ति की प्रबलता पूर्वकाल में आराधित योग का फल तथा अनुसंधान सिद्ध करता है। बाल्यावस्था में विनय, तर्क शक्ति और वैराग्य के कारण वे सभी के प्रिय बन गए थे। नया नया मनन करने की बेहद उत्कट इच्छा रखते थे। श्रीमद राजचंद्र जी पत्रांक 85 में लिखते हैं कि हे नाथ, 7वें महातम प्रभा नरक की वेदना मिली होती तो शायद मान्य करता, परंतु जगत की मोहिनी मान्य नहीं होती। मिथ्यात्व मोहिनी के नाश पर कितना जोर दिया है। संसार परिभ्रमण का मुख्य कारण मिथ्यात्व है। अनंत काल में जीव को अनेक बार सदुपदेश की प्राप्ति हुई है, फिर भी सम्यक दर्शन रूपी धर्म को प्राप्त नहीं कर सका। पूज्य गुरुदेव श्री 203 वचनामृत में फरमाते हैं कि दर्शन मोह मंद किए बिना वस्तु स्वभाव ख्याल में नहीं आता और दर्शन मोह का अभाव किए बिना आत्मा अनुभव में नहीं आ सकती। इस तरह जीव को स्वस्वरूप संबंधित अज्ञान रहने का कारण एकमात्र दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व ही है। मोक्ष की प्राप्ति का कर्म भी ऐसा ही है कि पहले जीव मिथ्यात्व के दोष को मिटाए, तत्पश्चात चारित्र मोह के दोष का अभाव करके मोक्ष में जाए। कुटुंब प्रतिबंध अर्थात कुटुंब के सदस्यों के प्रति लगाव ममत्व, जिसकी मुख्यता में जीव आत्मकल्याण में अग्रसर नहीं हो पाता है, परंतु इसी में परिणाम फंसे रहते हैं और मनुष्य भव हार जाता है। कृपालु देव ने 537 पत्र में ऐसे परिणामों को घोर नरकादि गति का हेतु बताया है। श्रीमद राजचंद्र जी ने वचनामृत पत्रांक 103 पन्ना 212 में फरमाया है कि कुटुंब रूपी काजल की कोठरी में रहने से संसार बढ़ता है। वचनामृत में लिखा है कि एक काजल की कोठरी हो, उसमें कोई रहते हुए ऐसा चाहे कि मुझे दाग नहीं लगना चाहिए, तो क्या वह मुमकिन है? ना मुमकिन है। काजल की कोठरी में चारों तरफ काजल लगा हो, चार दीवारी हो, ऊपर नीचे सब तरफ काजल ही लगा हो और काजल के परमाणु बहुत उड़ रहे हो, ऐसे में दाग लगे बिना कैसे रहेगा? वैसे कुटुंब में रहना और संपूर्णतया दोष रूप दाग नहीं लगना, ये बनना नामुमकिन है। कुटुंब है सो काजल की कोठरी है। कुटुंब प्रतिबंध छोड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जब तक कुटुंब प्रतिबंध नहीं छूटा हो, तब तक कुटुंब प्रतिबंध छोड़ने का पुरुषार्थ होना चाहिए, तो ही वह कुटुंब रूपी कोठरी को सहज मात्र में छोड़ सकेगा। श्रीमद राजचंद्र जी ने पत्रांक 332 में फरमाया है कि आरंभ और परिग्रह का मोह ज्यों-ज्यों मिटता है, ज्यों-ज्यों तत्संबंधी अपनेपन का अभिमान मंद परिणाम को प्राप्त होता है, मुमुक्षुता बढ़ती जाती है। अनंत काल से परिचित यह अभिमान प्रायः एकदम निवृत्त नहीं होता, इसलिए तन मन धन आदि जिनमें ममत्व रहता है उन्हें ज्ञानी को अर्पित किया जाता है। प्रायः ज्ञानी खुद उन्हें ग्रहण नहीं करते, परंतु उनमें से ममत्व को दूर करने का ही उपदेश देते हैं। और करने योग्य भी यही है कि आरंभ परिग्रह को वारंवार के प्रसंग में पुनः पुनः विचार करके उनमें ममत्व ना होने दे, तब मुमुक्षुता निर्मल होती है। श्रीमद जी ने भगवान महावीर के आगम आधारित सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए जन जन को संदेश दिया कि मोह और आसक्ति को छोड़े बिना आत्मकल्याण संभव नहीं है। श्रीमद जी ने फरमाया कि कषाय मुक्त होना ही मुक्ति है। लव द वाइब, एक्सप्लोर सच इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट्स एट www.questfoundation.org.in